तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहां से हमें हर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है बृहदीश्वर मंदिर, जिसको सबसे महान हिंदू मंदिरों में से एक गिना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके निर्माण का श्रेय सिर्फ चोल साम्राज्य को ही नहीं जाता, और किसी जमाने में यह अंग्रेजों के भी काम आया था। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण 20वें चोल शासक राजा राजा चोल प्रथम ने सन 1010 में किया था। द्राविड़ शैली में ग्रेनाइट और पत्थरों द्वारा निर्मित ये मंदिर अपने अद्भुत स्थापत्य, मूर्तियों और चित्रों के लिए मशहूर है। इसके इतिहास और स्थापत्य से जुड़े पहलू अंतहीन है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अद्भुत छाप छोड़ी। आइए हम आपको इनके कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। बृहदीश्वर मंदिर के बेहतरीन विशेषताओं में से एक है यहाँ का मुख्य विमान। 200 फीट ऊंचा यह विमान 13 मंजिला है। इसको भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के नाम पर दक्षिण मेरु कहा जाता है। इसको पत्थरों के खंड से पिरामिड के आकार में बनाया गया है। यहाँ हर मंजिल देवी देवताओं के चित्रों से भरपूर है। इस विमान की सबसे बड़ी बात इसकी स्तूपिका है, जो 80 टन भारी पत्थर का खंड है। इसको एक रैंप के जरिए उठाकर हाथियों द्वारा विमान की चोटी तक लाया गया था, जहां ये आज भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि बृहदीश्वर मंदिर में भारत का सबसे बड़ा मंदिर अभिलेख है? तमिल और ग्रंथ लिपियों में रचित ये अभिलेख हमें उन शासकों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ हमें मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है, जहां इसके रखरखाव और यहां तक यात्रियों और श्रद्धालुओं के रहने और भोजन के प्रबंध की जानकारियां भी मौजूद हैं। इनमें से अधिकांश अभिलेख चोल शासकों और कुछ नायक और मराठा शासकों के भी हैं, जो इस क्षेत्र में उनके काल के दौरान अपने प्रशासन के बारे में भी बताते हैं। बृहदीश्वर मंदिर भारत के उन चंद मंदिरों में गिना जाता है जो सिर्फ अपने स्थापत्य विशेषताओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये चित्र चोल और नायक साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे, जो यहाँ के गर्भगृह में आज देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ चित्र नायक राजाओं द्वारा चोलों के शासन में बने चित्रों की परत पर बनवाए गए थे। अधिकतर चित्र भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं से जुड़े घटनाओं का वर्णन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से राजा राजा चोल प्रथम की अपनी गुरु के साथ एक चित्र भी है, जो भारत में शाही चित्रों के पहले उदाहरणों में गिने जाते हैं। भले ही बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण का अधिकांश श्रेय चोल साम्राज्य को जाता हो, मगर 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जब तंजावुर नायकों और मराठों के अधीन आया, तब इस मंदिर के प्रांगण में कई नई इमारतें भी शामिल किए गए, जिनमें से नंदी का मंडप और अम्मान और सुब्रमण्यर को समर्पित मंदिर गिने जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में आते आते जब बृहदीश्वर मंदिर वीरान हो गया था, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में सामरिक तौर पर विस्तार कर रही थी। नतीजन ये मंदिर 1800 के पूर्वार्ध तक उनकी सैन्य छावनी बनी, जिसके बाद तंजावुर के तत्कालीन मराठा शासक सरफोजी द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ठीक इसी दौरान ये मंदिर लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्पटन के भारतीय उपमहाद्वीप को मापने के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान भी बना। अपने त्रिकोणमय सर्वेक्षण के लिए उन्होंने इस मंदिर के कुछ गोपुरम का इस्तेमाल किया और अपने भारी भरकम मशीन को मंदिर के ऊपरी इलाकों में भी चढ़वाया। लोकप्रिय दंत कथाओं के अनुसार यहां सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान लैम्पटन की मशीन गिर गई थी, जिसके कारण यहां मौजूद एक मूर्ति को नुकसान पहुंचा, जिसके क्षतिग्रस्त चेहरे के ऊपर उन्होंने अपना ही चेहरा लगवा दिया।
बृहदीश्वर मंदिर शायद भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसको कई माध्यम से सम्मानित किया गया हो। अगर हम वित्तीय मुद्रा की बात करें तो सन 1954 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1000 के नोट जारी किए गए थे जिसमें मंदिर का मनोरम दृश्य मौजूद था। मगर सन 1978 में काले धन को समाप्त करने की फिराक में इन नोटों की नोटबंदी की तो इनकी महत्वता भी तब समाप्त हो गई थी। ठीक वैसे ही सन 2010 में जब मंदिर ने अपने निर्माण के 1000 वर्ष पूरे किए तब इंडिया पोस्ट द्वारा 5 रुपए के डाक टिकट और मुंबई के टकसाल द्वारा 5 और 1000 के सिक्के जारी किए गए थे। वहीं तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने सेमई चावल का नाम मंदिर के निर्माता राजा राजा चोल प्रथम के नाम पर राजा राजन 1000 कर दिया था। सन 1922 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने के बाद बृहदीश्वर मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरातेश्वर मंदिर के साथ ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सन 1987 में आया। आज बृहदीश्वर मंदिर हर श्रद्धालु और यात्री के लिए धार्मिकता, स्थापत्य और इतिहास के पहलुओं को एक सूत्र में बांधकर मंत्रमुग्ध करता है।